Hi guys, welcome and welcome back to my channel. This is me, Khushi Srivastava, and if you are new here, so please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for updating my all videos. So in this video we are doing Raksha Bandhan makeup. So yes, if you are beginners, agar aap beginner ho like me, matlab meko bhi like itna मेकअप की नॉलेज नहीं है, बट इन दिस वीडियो वी आर डूइंग आर मेकअप फॉर रक्षाबंधन और थोड़ी प्रो की तरह, थोड़ा प्रो की तरह. इस वीडियो में जो भी मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी वो बहुत ही अफोर्डेबल है, तो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स किसको नहीं चाहिए. सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग, यू हैव टू प्रेप योर स्किन, मतलब स्किन केयर कर लो. स्किन केयर नहीं करते हो या आपके पास नहीं है तो मॉइस्चराइजर, आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर जरूर ही यूज करना चाहिए. मैं यूज करी डॉट इन क्या गया सेरेमाइड्स हाइलुरोनिक एसिड स्किन बेरियर रिपेयर समथिंग का ये मॉइस्चराइजर है दैट आई एम यूजिंग. मैंने वैसे स्किन केयर कर लिया था बट कभी कभी मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई सी हो जाती है. दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज. इससे क्या होगा, आपका मेकअप ना स्किन केयर के बाद आपका मेकअप काफ़ी फ्लॉलेस होगा और काफ़ी ज़्यादा स्टे रहेगा आपके फेस पे. तो यस, दिस इज़ व्हाई यू हैव टू प्रेप योर स्किन फास्ट बिफोर यू डूइंग मेकअप. दिस प्राइमर इनसाइड कॉस्मेटिक का है. मैं यहाँ साइड में आपको पिक्चर दिखा दूंगी. प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइमर है ये. तो ये काफ़ी जेल फॉर्मूला में आता है, तो इफ़ यू हैव लाइक पोर्स, ओपन पोर्स, देन यू हैव टू बाय दिस वन. दिस इज़ वेरी लाइक जेल टेक्सचर, काफ़ी मैट फिनिश देता है आपको. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइजर इफ़ यू आर बिगनर. आफ्टर प्राइमर, इफ़ यू हैव डार्क सर्कल, दिस ब्राउन एंड ब्लैक स्किन मार्क्स वट एवर, देन यू हैव टू यूज दिस. दिस इज वेरी अफोर्डेबल कलर करेक्टर पैलेट फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक. अगेन आपको बहुत सारे कलर लाइक करेक्टर मिल जाएंगे. पिगमेंटेशन भी ज़्यादा बहुत अच्छी है, मतलब आपको लाइक ये तो आपको यू हैव टू बाय दिस इफ़ यू हैव लाइक डार्क सर्कल. लाइक मेरे पास यहाँ लाइक ब्राउन टेक्स्चर सा हो रखा है. एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर भी आपके पास होना यू नो ज़रूरी होता है, बिकॉज जो सस्ते आते हैं ना वो सारा प्रोडक्ट आपका खा जाते हैं. यस, तो यू हैव टू बाय गुड ब्यूटी ब्लेंडर. दिस इज ब्यूटी का कंसीलर टू हाइड माय ऑफ कोर्स देन ब्लेंड दिस. आई थिंक मेरे डार्क सर्कल काफ़ी हद तक हाइड हो चुके हैं. मैं पहली बार ये कलर करेक्टिंग कर रही हूँ अपने फिक्स पे. नाउ आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का, मेबलिन फिट मी 120 शेड नंबर का फाउंडेशन. ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. तो टू पम्प्स इज इनफ, देन जस्ट डॉट 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 डॉट. द बेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस दिख रहा है. ओके, सो फाउंडेशन हो चुका है अच्छे से ब्लेंड, यू कैन सी. इफ यू वॉन्ट टू हाईलाइट योर अंडर आई एरिया एंड, तो मैं यूज कर रही हूँ इन साइड का ये कंसीलर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. यू कैन सी वॉन्ट भी इसके काफ़ी ज़्यादा, यू नो डोंट जज मी गाइज, ओके आई डोंट नो हाउ टू डू मेकअप. ओके, देन ब्लेंड, देन वी आर यूजिंग कॉन्टोर. दिस इज फ्रॉम ब्लू हेवन, मैंने रिसेंटली ही परचेज करा है. आई डोंट नो हाउ टू कॉन्टोर बट लेट्स ट्राई. फर्स्टली इधर करते हैं. Let's blend this. Not bad.
आई थिंक दिस इज हाइलाइटर और समथिंग. यस व्हाट डू यू थिंक गाइस. ओके नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश. आई लव ब्लश. लाइक ब्लश तो अलग ही किस्म का प्यार है. ओके मैंने यहाँ क्यों लगा लिया. ओके ब्लश डन. लेट्स बेक आवर फेस. आई नेवर डन दिस बिफोर. बेकिंग फेस वगैरह वगैरह फिलहाल इसी से काम चलाते हैं. Okay, maybe. I love the contour, guys. Wow! Okay. Now let's do some eye makeup. जो कि मुझे नहीं आता but wait. Eye makeup के लिए I have this eye palette from Meesho. मैंने like काफी एक दो साल पहले ली थी और मैं इतना eye makeup नहीं करती. इसमें काफ़ी सारे शेड है बस के जो पिगमेंटेड है ना वो थोड़ी बहुत लाइक मीडियम है. आंखों पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले. मैं सिर्फ सबसे पहले ये लाइटर शेड लूँगी मैं लगा लूँगी बिकॉज मतलब हाथ तो ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं. ब्रश मैं नहीं लगाती हूँ बेसिकली. थोड़ा सा ये डार्कर वाला लेंगे देन अप्लाई कर लेंगे. ठीक है नॉट बैड. ओके नाउ आई एम गोइंग टू एड दिस ग्लिटर. छोड़ो सा थोड़ा इंडियन है इस वजह से थोड़ा चमक धमक तो बनता है. फेस आई थिंक बेक हो चुका है अच्छे से. दिस इज द ओनली ब्रश दैट आई हैव. आई हैव दिस पैलेट फ्रॉम शुगर तो हम थोड़ा सा इसमें से ब्लश लगा लेंगे और बिकॉज आई लव ब्लश. ओके देन लेट्स लिप्स पे ना लाइक पहले लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले यू हैव टू यूज लिप बाम और लिप टिंट. तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी का बेस. ये वैसे लाइक बेस है पहले ये लगता है फॉर ग्लो के लिए बट मैं इसे एज अ हाइलाइटर यूज करती हूँ. I don't know why, but magic देखना अब इसका. Look at the glow, guys. Wipe it off your lip balm. Okay, so अब बारी है हमारे lips की. तो lips के लिए पहले मैं लगाऊंगी this liner from My Glam. Then just फिर मैंने पता नहीं ऑरेंज सा लाइप लाइनर लगा दिया बिकॉज भूल गई मैं बेसिकली. ओके सो दिस लिपस्टिक फ्रॉम स्विस ब्यूटी. लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही है गाइस. नाउ इट्स टाइम फॉर आई लाइनर. दिस इज फ्रॉम ब्लू हेवन. वेरी अफोर्डेबल 100 rupees का है ओनली. Liner is done. Mascara के लिए I'm using this Maybelline का Glossol. I don't know. Look at the difference. Mascara is done. I think हमारा ओके मैं आईब्रो करना भूल गई. फॉर आईब्रो आई हैव दिस पैलेट फ्रॉम स्विस ब्यूटी. वेरी अफोर्डेबल. फर्स्ट आई एम यूजिंग जेल टू सेट माय ब्रोज. सो आई हैव दिस मेकअप फिक्सर फ्रॉम स्विस ब्यूटी. दिस इज वेरी अफोर्डेबल और काफी अच्छा है. मैं इसी को यूज करती हूँ. सो लेट्स बिंदी के बिना इंडियन तो अधूरा है. ओके सो माय मेकअप इज
डन, यू कैन सी माई फ्लॉलेस और ग्लोई मेकअप. दिस इज आई लुक फॉर रक्षाबंधन. वेट, लेट मी शो यू प्रॉपरली. सो गाइज, ये था मेरा रक्षाबंधन का लुक. और मैं रक्षाबंधन का लुक नहीं, मतलब मेकअप की, ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा मैं भी करूँगी. मैंने थोड़ा कुछ अलग ट्राई करा है और आई थिंक अच्छा लग रहा है. नॉट दैट बैड. यस, दिस इज द वीडियो फॉर यू माई लवली पीपल्स. सो यस, इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. Yes, that's it. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही. तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू.